हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट किया था और जिसमें हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट है आपकी व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, व्यंजकों के सिंप्लीफिकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास, यूनिट सेकेंड। ठीक है, यूनिट सेकेंड है हमारी, बीजीय व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमारी व्यंजक होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है हमारी व्यंजक होता क्या है। तो हम सबसे पहले व्यंजक के बारे में देखेंगे। व्यंजक क्या होता है, ठीक है, तो व्यंजक कोई भी संख्या हो सकती है या वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्यंजक की डेफिनेशन क्या होती है। तो कोई संख्या अथवा मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं का समूह। ठीक है, कोई संख्या अथवा मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें आपके, जैसे उदाहरण मैंने लिखा 1000 अपने आप में क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अचर पद बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में कॉन्स्टेंट टर्म, अचर पद कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, जैसे मैंने एक और लिखा 4x प्लस के 5y, तो ये भी हमारा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। इसको हम द्विपदीय व्यंजक, ठीक है, या बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोल देते हैं द्विपदीय व्यंजक। यहाँ पे हमारे 4 और 5 क्या हैं, अचर पद हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज बोलते हैं। और xy हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बीज। ठीक है, गणित की भाषा में हम इनको क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं। ठीक है, तभी तो हम बीजीय व्यंजक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आई पास समझ में। इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, जो वेरीज करता है या बदलता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो कॉन्स्टेंट होता है जो कभी बदलता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं या कॉन्स्टेंट वैल्यू बोलते हैं। जैसे 4 है तो 4 को हम 4 ही लिखेंगे, 5 तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक्स की जगह वाई यूज कर सकते हैं, वाई की जगह हम जेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और बीजीय व्यंजक ले लेते हैं, यू अपॉन वी एंड -5 -p, ये सभी क्या है, हमारे बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बीजीय व्यंजक होता क्या है। ठीक है, बीजीय व्यंजक कॉन्स्टेंट टर्म मतलब कि अचर पद और वेरिएबल का ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ कॉम्बिनेशन है, प्लस माइनस के साथ में क्या है, कॉम्बिनेशन है, जिसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। चलिए, अगर हम इसी में आता है हमारा कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के, चलिए अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजकों के प्रकार। बीजीय व्यंजकों के प्रकार, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, बीजीय व्यंजकों के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा 100, 4x,
थ्री एक्स स्क्वायर फाइव अपॉन थ्री वाई की क्यूब। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक पदीय व्यंजक हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एक पदीय व्यंजक। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, एक पदीय व्यंजक, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल पद टर्म में हैं, इनको हम सिंगल टर्म व्यंजक भी बोलते हैं। ठीक है, एक पदीय व्यंजक मतलब ये क्या है, बिल्कुल सेपरेट हैं, अलग लिखे हुए हैं, इनमें कहीं भी प्लस माइनस का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, जो व्यंजक प्लस माइनस के साथ में होते हैं उनमें हम पदों की संख्या गिनते हैं कितने पद हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, दूसरा प्रकार देखें हम इसको, जैसे मैंने बोला 100 प्लस के वाई या 4x प्लस के 5y या मैंने 3x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, द्विपदीय है। क्या है ये, द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, ये क्या है हमारे, द्विपदीय व्यंजक हैं। ठीक है, इनमें कितने टर्म हैं, दो दो टर्म हैं। ठीक है, एक दो एक दो एक दो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कितनी टर्म यूज हुई हैं, दो दो ही हुई हैं, इसलिए हमको क्या बोलेंगे, द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता हमारा त्रिपदीय व्यंजक। कौन सा, त्रिपदीय व्यंजक। जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी या 5x² 5x³ प्लस के 5zy प्लस के z². ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, त्रिपदीय व्यंजक हैं, क्योंकि इनमें कितनी टर्म हैं, कितने पद हैं, तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये कितने हैं हमारे, त्रिपदीय। ये तीन पदीय व्यंजक। ठीक है, ये कितने पदीय व्यंजक है, तीन पदीय व्यंजक। इनमें कितने, प्रत्येक में कितने पद हैं, तीन पद हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि व्यंजक होते क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा आता है बहुपदीय व्यंजक। बहुपदीय व्यंजक, तो बहुपदीय व्यंजक क्या होता है, बहुपदीय व्यंजक वह व्यंजक होता है जिसमें तीन या तीन से अधिक पद हों। ठीक है, वह व्यंजक जिसमें तीन से अधिक पद हों। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाता है, बहुपदीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बीजीय व्यंजकों के प्रकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे आता हमारा सजातीय एवं विजातीय पद। सजातीय एवं विजातीय पद के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिया 7x प्लस के 8y प्लस के 10x। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें सजातीय पद कौन से हैं, विजातीय पद कौन से हैं, तो आप क्लियरली बता सकते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी गणित पढ़ा होगा वो बता सकते हैं। यहाँ पे 7x वाला पद और 10x वाला पद क्या है, दोनों सजातीय पद हैं। सजातीय पद कौन कौन से होंगे हमारे, 7x एंड 10x। अगर हम विजातीय पद की बात करें जो इनसे बिल्कुल अलग है, तो विजातीय पद जो होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, 8y। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं सजातीय पद और विजातीय पद का। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें हम, 5x प्लस के 7x प्लस के 10x स्क्वायर और प्लस के 2y5x स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें हम सजातीय पदों की बात करें तो कौन कौन से होंगे, देखो 7x और 5x सजातीय पद होंगे आपस में, और दूसरे सजातीय पद कौन कौन से होंगे, दूसरे सजातीय पद हमारे होंगे 10x स्क्वायर प्लस के कोमा 2y5x स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर देखो x स्क्वायर वाली टर्म है, तो x स्क्वायर वाली, हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता, कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट हमें क्या करना होता है कि हम देखते हैं कि व्यंजक जो है हमारा, जो हमारा बीज है, जो हमारा वेरिएबल है, वो सेम है या नहीं। यहाँ पे देखो x था, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है। ठीक है, ये बीज x y की टर्म में भी हो सकते थे,
एक्स वाई स्क्वायर की टर्म में भी हो सकते थे, लेकिन हमें देखना बिल्कुल समान एक से देखने, तभी हम उनको सजातीय बोलेंगे। और जिनमें बीज हमारे अलग होंगे, वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, वो हमारे क्या होंगे, विजातीय पद होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये आपका, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस चैप्टर के, क्वेश्चंस के बारे में पढ़ के हम सारे इस क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, आसान चैप्टर है इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया है, और ज़्यादा इसमें कुछ समझना भी नहीं है। बीजीय व्यंजकों का गुण, जोड़ घटा गुणा भाग हम इन क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, कैसे हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर वन है कि x अपॉन वाई माइनस सेवन में कितने पद हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कितने पद हैं कोई भी बता देगा, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक है, तो कितने पद हैं इसमें, दो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कितने पद हैं, दो। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो है आपका क्या बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों थ्री एक्स वाई प्लस के सेवन बाई टू और थ्री वाई एक्स प्लस के सेवन बाई टू में अंतर है। ठीक है, हमें बताना क्या इनमें कोई अंतर है, अंतर है तो क्यों। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ये भी हमारा पहला वाला बीजीय व्यंजक जो है ये भी कितने पद का, दो पद का है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। और दूसरे वाले बीजीय व्यंजक की बात करें तो इसमें भी हमारे कितने पद हैं, दो ही पद हैं। ठीक है, तो ये दोनों द्विपदीय व्यंजक हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू जो हुई है यूज, वो क्या है हमारी, सेवन बाई टू है। और यहाँ पे हमारे बीज जो यूज हुए हैं एक्स वाई हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनका जो गुणांक है, एक्स वाई का जो गुणांक है वो कितना है, थ्री है। यहाँ पे भी एक्स वाई का गुणांक कितना है, थ्री है। इसका मतलब ये कि दोनों क्या हैं, समान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सेम बीज, सेम वेरिएबल में है और इनकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज भी क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4x माइनस के y, 7x प्लस के y, 8x प्लस के 7y को जोड़िए। ठीक है, इन सभी को हमें क्या करना, जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, 4x माइनस के y प्लस 7x प्लस के y प्लस 8x प्लस के 7y। अब हमें पता है कि हम सजातीय पदों को जोड़ सकते हैं और सजातीय पदों को ही घटा सकते हैं। ठीक है, हम सजातीय पद में विजातीय पद को नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते, नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सजातीय पद देखेंगे कौन कौन से हैं। देखो 4x, 7x और 8x सजातीय पद हैं, वैसे ही y, y और 7y क्या हैं, विजातीय पद हैं। मतलब ये y, y, y आपस में सजातीय पद हैं और x, x वाली टर्म जितनी भी हैं वो अपने आप में सजातीय पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 4x है, यहाँ पे 7x है और यहाँ पे कितना है, 8x है। सारे के सारे प्लस के हैं, तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। 8 और 7 कितना होगा, 15, और 15 और 4 कितना होगा, 19। तो इसका मतलब कितना आएगा, 19x आएगा। लेकिन अगर हम बाई वाले सजातीय पदों को देखें तो बाई का सजातीय पद क्या है, बाई, बाई का दूसरा सजातीय पद क्या है, 7y। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करें, देखो ये माइनस का बाई है और ये प्लस का बाई है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये भी एक है, ये भी एक है। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा, सिंपली 7y। तो इन सब का जो योग आया, जोड़कर जो आंसर आया हमारा, वो कितना आया, 19x प्लस के 7y, 19x प्लस के 7y। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कैसे जोड़ना। हम क्या करते हैं, सजातीय पद में ही सजातीय पद को ही जोड़ते हैं, सजातीय पद में कभी भी हम दूसरे विजातीय पद को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई को घटाइए। ठीक है,
हमें क्या करना है अब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के टू एक्स वाई से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के फोर एक्स वाई को घटाना। जब भी आपको घटाने के लिए बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इनको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखने के बाद में हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के टू एक्स वाई में से हमें किसको घटाना है, हमें घटाना है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के फोर एक्स वाई को, तो सबको हम इनको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। जोड़ते वक्त ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन घटाते वक्त आपको ब्रैकेट में सारे के सारे व्यंजक लिखने हैं, ठीक है, जिनको भी आप घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं। चलिए अब हमने पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर एज ए दिस आएगा, वाई स्क्वायर एज ए दिस आएगा, माइनस के टू एक्स वाई एज ए दिस आएगा। लेकिन जब हम इस माइनस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस का वाई था, और माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस के साथ में, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है हमारा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ में, तो माइनस के फोर कितना आएगा, एक्स वाई, ठीक। आई थिंक इतनी बार आपको समझ में आ रही होगी। चलिए देखो यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लस पे बाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी बाई स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एक बाई स्क्वायर ये है, एक बाई स्क्वायर ये है, तो कितने बाई स्क्वायर हो जाएंगे, दो बाई स्क्वायर, मतलब टू बाई स्क्वायर आएगा यहाँ से। माइनस के टू एक्स वाई यहाँ पे है और माइनस के फोर एक्स वाई यहाँ पे है, सेम साइन होने पर हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा मानना इसका ही ऐड हो गया, लेकिन आएगा कितना, फोर और टू कितने होते हैं, सिक्स, सिक्स एक्स वाई, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर हमने पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाया तो हमारा आंसर क्या आया, टू बाई स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स वाई। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं आज के क्लास की। क्वेश्चन नंबर फाइव है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और आपको आसान भी लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 8 प्लस के 9 वाई, 8 प्लस 9 वाई घंटे में कितनी दूरी चलेगी, कितनी दूरी चलेगी हमें यह बताना है, ठीक है। 8 प्लस के 9 वाई घंटे में वह कितनी दूरी चलेगी ये हमें बताना है। चलिए इसका सॉल्यूशन की बात करें, मतलब कि ये क्या चाल दे रखी है, चाल बराबर हमें क्या दे रखा है, चाल बराबर दे रखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस के 9, वो सॉरी एक्स प्लस के 9, ठीक है। और टाइम हमें कितना दे रखा है, समय, कितने समय में दूरी निकालनी है, 8 प्लस के 9 बाई समय में, ठीक है। अब हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता, चाल बराबर क्या होता हमारा, चाल बराबर होता दूरी बटे समय, ठीक है। अगर हम दूरी निकालने की बात करें तो दूरी बराबर हमारा क्या आएगा, चाल गुणा समय, क्या आएगा, चाल गुणा समय, ठीक है। हमें दूरी निकालने के लिए, इसलिए कुल दूरी, कुल दूरी बराबर कितना होगा, चाल कितनी है हमारी 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 9, और समय कितना हमारा 8 प्लस के 9 वाई, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस वाले 8 की मल्टीप्लाई इन सारे टर्म्स के साथ में करेंगे, कितनी टर्म्स के का बहुपद है ये, व्यंजक है, तीन पद का, एक दो तीन, तीन पद का व्यंजक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 की सभी पदों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की 2x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, 8 की x के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 8x, और 8 की 9 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 8 9 72। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पद की इन सारे पदों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, इन सारे पदों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 9 की हम गुणा करेंगे तो 9 टू जा कितने होते हैं 18, 18 एक्स स्क्वायर वाई आएगा, फिर में हम 9 वाई की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 9 एक्स वाई, और प्लस 9 में करेंगे तो कितना आएगा 9 9 जा 81, मतलब 9 9 81 वाई, ठीक है।
तो हमारा जो आंसर आया चाल दूरी जो आई कुल दूरी ये आई। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर आपसे सिर्फ मल्टीप्लाई कराना चाहता है दो व्यंजकों की। ठीक है, एक तीन पद का व्यंजक है, एक दो पद का व्यंजक है, वो जानना चाहता है कि आपको क्या आता है, मल्टीप्लाई आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है 2x माइनस 7 बाई माइनस 9x प्लस के y ब्रैकेट 101 माइनस के x ब्रैकेट क्लोज्ड मतलब ब्रैकेट क्लोज्ड बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको हमें क्या करना है, इसको सरल करना, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका सरलीकरण करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी वाली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। आपको ये बातें पता होंगी बोर्ड मास के नियम से, सबसे हम पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 7 बाई एज इट इज लिखेंगे माइनस के 9x प्लस के बाई एज इट इज लिखेंगे। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस बाई की मल्टीप्लाई अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 101 बाई आएगा, जब बाई की मल्टीप्लाई 101 के साथ में होगी तो 101 बाई आएगा और माइनस कितना आएगा एक्स बाई आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब जब ये ब्रैकेट खोल गई है तो फिर हम क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट को खोलेंगे 2x माइनस के कितना आएगा 7 बाई, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना आएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना होगा 9x और ये माइनस के 101y आएगा और ये प्लस का कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 7 प्लस का वाई है, 7 वाई प्लस का है, यहाँ पे 101 कितना है वाई माइनस का है, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें 2x माइनस कितना बचेगा यहाँ से, अगर इसमें से 101 में से 7 माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा हमारा 94 माइनस के 94 9x तो एज दिस आएगा ये वाला, और यहाँ से कितना बचेगा 94y बचेगा प्लस के एक्स वाई। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए अगर हम इस ब्रैकेट को खोलें तो कितना आएगा 2x माइनस के 9x और ये प्लस का हो जाएगा इस माइनस से 94 बाई और ये माइनस का एक्स वाई। ठीक, यहाँ पे देखो ये माइनस का ये प्लस का तो कितना बचेगा माइनस के 7x बचेगा, कितना बचेगा माइनस के 7x बचेगा और फिर क्या बचेगा हमारा प्लस के 94y और माइनस के एक्स वाई। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 94 बाई माइनस के 7x माइनस के एक्स वाई, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 5x बाई प्लस 3z माइनस 2x माइनस 2z माइनस 3y ब्रैकेट 1 मझला ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। इसको भी हमें क्या करना, सरल करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे 3z एज इट इज आएगा माइनस मझला ब्रैकेट ऐसे आएगा 2x, इसको खोलेंगे तो कितना आएगा ये माइनस के 2z आएगा और प्लस के कितना आएगा 3y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5xy प्लस 3z। ठीक है, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2x प्लस के कितना आएगा हमारा 2z और माइनस के कितना आएगा 3y। ठीक है, चलिए फिर ब्रैकेट को खोलते हैं 5xy प्लस 3z और ये माइनस का 2x प्लस के 2z माइनस के 3y आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 3z है प्लस का, ये भी 2z है प्लस का, तो कितना आएगा यहाँ से 5xy प्लस के कितना हो जाएगा 2 और 3 5z माइनस के 2x माइनस के 3y। अब हम किसी को इसका जेड वाला टर्म तो दूसरा नहीं है तो किस में नहीं जोड़ सकते, एक्स वाला नहीं है तो एक्स वाले को नहीं जोड़ सकते, थ्री वाई वाला नहीं है तो थ्री वाई वाले को नहीं जोड़ सकते, एक्स वाई वाला नहीं है तो एक्स वाई वाले को नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज के क्लास में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है,
फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है आज की क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपकी यूनिट नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, इतना ही आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलता हूँ फिर यूनिट 3 के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।